Good morning, class. And this is our pharmacology class, in which today we will study about the anti-leprotic drugs, means the drugs which used to treat the leprosy caused by the mycobacterium lepre. Leprosy, slow growing bacteria lepre, M. lepre, जिसको mycobacterium lepre कहते हैं, उससे ये cause होने वाली disease है. इसको हम Hansen's disease भी कहते हैं. साइंटिस्ट एम के नाम पर हमने इस एम लेप्री से इसने डिस्कवर किया था, तब हमने ये नाम इसको दिया था. प्राइमरली ये स्किन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर असर डालती है ये डिजीज़. इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 साल का होता है. एंटी लेप्रेटिक ड्रग्स जो हैं उसके अंदर सल्फोन्स आती है, फिनाजिन डेरिवेटिव्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसके ट्रीटमेंट में हम काम में लेते हैं. सल्फोन्स में डेप्सोन आती है, DDS डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन इसका पूरा नाम है. फिनाजिन डेरिवेटिव के अंदर क्लोफाजिमाइन ड्रग आती है. एंटी ट्यूबरकुलर के अंदर रिफैम्पसिन और इथियोनामाइड ड्रग आती है. एंटीबायोटिक्स के अंदर ऑफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, माइनोसाइक्लिन और क्लारिथ्रोमाइसिन ड्रग्स हम इसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं. अब सबसे पहले जो डेप्सोन DDS है, ये सबसे सिंपल है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे चीपेस्ट ड्रग है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये लेप्रोस्टैटिक होता है, मतलब लेप्रोसी के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, चाहे हम थोड़ी कंसंट्रेशन में ही क्यों ना इसको दे रहे हों और वो कितना ही कम कंसंट्रेशन में मौजूद हो, पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है. केमिकली ये सल्फोनामाइड्स के जैसी होती है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ये पाबा इनहिबिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा इनटू फॉलिक एसिड, ये पाबा को फॉलिक एसिड में घुसने नहीं देता है, घुसने से रोक देता है. एम लेप्री की खासियत क्या है कि ये फोलेट सिंथेसिस से एफिनिटी रखता है और फॉलिक एसिड का सिंथेसिस हो नहीं रहा है. फोलेट सिंथेसिस की एफिनिटी और फोलेट सिंथेस जो है वो यहाँ प्रोसेस नहीं चलेगा, तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ हो नहीं पाएगी. एक्टिविटी इसको हम अलोन ही काम में लेते हैं. रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि फोलेट सिंथेसिस में म्यूटेशन आ रहा है और उसकी लोअर एफिनिटी हो जाती है इस वजह से. 100 mg पर डे आप दे सकते हैं. कंटिन्यू हमें इसको देनी है. ये इफेक्टिव है लो से मॉडरेटली रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर. इसके अलावा ये एंटी प्रोटोजोअल एक्शन बेस्ड ड्रग का पाया जाता है. इसे फैल्सिपैरम और गोनोडी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक में ओरल एब्जॉर्प्शन इसका पूरी तरह से हो जाता है, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी हाई देखा जाता है, पर CNS में पेनिट्रेट ये नहीं करती. डिस्ट्रीब्यूशन तो हाई है, CNS में पेनिट्रेशन कम है. हाफ लाइफ 24 से 36 घंटे की होती है, पर क्यूम्यूलेटिव होती है, क्योंकि 70% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड रहती है, इसलिए स्किन, लीवर, मसल और किडनी के अंदर इकट्ठी होती है. एसिटाइलेटेड और ग्लूकोरोनाइडेटेड इफेक्ट देखने को मिलता है. सल्फेट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है. एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन इसका होता है. एडवर्सली क्या असर डालेगी भाई, ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है. हीमोलाइटिक एनीमिया ये कॉज कर देती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है. गैस्ट्रिक के अंदर इनटॉलरेंस कॉज करती है. नोजिया और गैस्ट्राइटिस कॉज कर देती है. मेट हीमोग्लोबिनीमिया पर्सन के अंदर हो जाता है. पैरास्थीसिया हो जाता है. एलर्जिक रैशेज हो जाएंगे. FDE, फोटोटॉक्सिसिटी, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ये स्किन वगैरह के डिसऑर्डर हैं. और हिपेटोटॉक्सिसिटी लीवर के लिए हार्मफुल होती है. ये प्रोटोजोआ के लिए भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्रोटोजोआ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है. तो पायरीमेथामाइन के साथ में कंबाइन करके हम इसको दे सकते हैं. सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामाइन के अल्टरनेटिव के रूप में हम फैल्सिपैरम और टॉक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हम इसको यूज़फुल मानते हैं. इसके अलावा न्यूमोसिस्टिस जीरो वैसी के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इस मेडिसिन के अंदर पाई जाती है, तो इन्फ्लामेशन में भी आप दे सकते हो. सल्फोन सिंड्रोम किसी को हो जाए, अगर सल्फोन ज़्यादा ले ले तो सल्फोन सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें फीवर, मेलाइज,
बुखार हो जाएगा, बीमारी जैसी फीलिंग आएगी, लिम्फ नोड बड़े हो जाएंगे, स्किन डी स्क्वेमेट हो जाएगी, जॉन्डिस रहने लगे, पीलिया हो जाता है और एनीमिया भी हो जाता है। जॉन्डिस एनीमिया थोड़ी बहुत जुड़ी हुई सी कंडीशन है। ये थेरेपी लेने के 4 से 6 हफ्ते बाद कंडीशन अराइज हो जाती है। जो लंबी थेरेपी ले लेते हैं ना, MDT के साथ में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें हमारे को अगर ऐसा हो जाए तो डेप्सोन को आपको स्टॉप कर देना चाहिए और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी ऐसे पर्सन में शुरू कर देनी चाहिए। डेप्सोन को कभी भी सीवियर एनीमिया में नहीं देना चाहिए, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी में भी हम इसको नहीं देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है क्लोफाजिमाइन। ये फिनाजाइन डाई है जो कि एंटी लेप्रोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी रखती है। ये DNA के टेम्पलेट फंक्शन में इंटरफेयर कर देती है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब्ड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। मोनोथेरेपी से 1 से 3 साल में रेजिस्टेंस हो जाता है। डेप्सोन रेजिस्टेंट जो है कोई पर्सन, तो उसमें हम ये क्लोफाजिमाइन ड्रग दे सकते हैं तो वो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई देगी। काइनेटिक्स में ओरली 70% तक ये एब्जॉर्ब होकर के सब क्यूटेनियस टिश्यू में ये क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। हाफ लाइफ 70 दिन है इसकी। एडवर्स में वेल टॉलरेटेड है। स्किन में रेडिश ब्लैक डिसकलरेशन कर देती है स्किन, कहीं पे लाल कहीं पे काली दिखाई देने लगती है, और ऐसा ही हेयर और बॉडी सीक्रीशन में भी होता है, कलर चेंज हो जाता है, स्किन सूखने लग जाती है। ट्रबलसम इचिंग, जो इतनी ज़्यादा खुजली हो रही होती है कि पर्सन परेशान हो जाता है, बेचैन रहने लगता है उस खुजली की वजह से। लाइट के लिए टॉक्सिटी हो जाती है। कंजंक्टाइवल पिगमेंटेशन रहने को लग देखने को मिल रहा होता है। GIT में नोजिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द रहने लगेगा, लूज मोशंस हो जाते हैं, एंट्राइटिस पर्सन के अंदर एंट्राइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। लिवर किडनी डिजीज़ किसी को है तब भी ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट रिफैम्पिसन, जो हमने TB में भी पढ़ी थी, ये 3 से 7 दिन के अंदर किल करने का इफेक्ट रख रही है। स्किन सिम्टम भी इसमें रिग्रेस हो जाते हैं 2 महीने के अंदर अंदर। MDT में दिया जाता है, शॉर्टन कर देता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को, और रेजिस्टेंस से भी ये बचाने का काम करती है। कोई टॉक्सिक डोज इसकी, अगर हम सिंगल डोज दे रहे हैं तो कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रही है, पर इनल रिवर्सल फिनोमेना के इसके अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा ऑफ्लोक्सेसन जो है, ये सभी फ्लोरोक्विनोलॉन्स में सिवाय सिप्रोफ्लोक्सेसन के अलावा हम ले सकते हैं। एक्टिव है ये, रिफैम्पिसिन का ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट माइनोसाइक्लिन, ये लाइपोफिलिक नेचर की होती है, एम लैपरी के अंदर घुसती है और लेस मार्क्ड इफेक्ट दिखाते हैं रिफैम्पिसिन के कंपैरिजन में, यानी रिफैम्पिसिन ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट इथियोनामाइड, ये भी एंटी लेप्रेटिक भी है और एंटी ट्यूबरक्यूलर भी है। फास्ट एक्टिंग ड्रग है डेप्सोन के कंपैरिजन में, पर महंगी पड़ती है, ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ओरली इफेक्टिव है, डेली हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पुअरली टॉलरेटेड है पर हिपेटोटॉक्सिक होती है, 250 mg पर डे हमारे को देनी है। क्लैरिथोमाइसिन ओनली मैक्रोलिड है, जो कि एम लेप्री के लिए काफ़ी अच्छी है। बैक्टीरियसाइडल, हालांकि रिफैम्पिन के कंपैरिजन में कम इफेक्ट देखती है बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट। मोनोथेरेपी 500 mg डेली दे सकते हो 8 हफ्ते तक, तो 99.9% ये बैक्टीरिया को किल कर देगी। मीनोसाइक्लिन के साथ में इसको देंगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। MDT रेजिमेन के का ऑल्टरनेटिव है ये। माइनोसाइक्लिन हाई लाइपोफिलिसिटी दिखाती है, यानी ज़्यादा लिपिड से लिपिड लविंग है ये, इसलिए एम लेप्री को आसानी से पेंट्रेट कर देती है। 100 mg पर डे आप देते हैं तो काफ़ी है। एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी रिफैम्पिन की ज़्यादा है, माइनो कंपैरिजन माइनो ज़्यादा है क्लैरिथ्रोमाइसिन कंपैरिजन में। 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है। अब लेप्रा रिएक्शन, ये एक्यूट एक्सर्बेशन है जो कि लेप्रेसी के कोर्स के दौरान देखा जाता है, इसको अपन लेप्रा रिएक्शन कहते हैं। जब अपन लेप्रेसी का कोर्स किसी पर्सन को दे रहे होते हैं तो उसमें एक्यूट एक्सर्बेशन देखने को मिलता है, इसको अपन लेप्रा रिएक्शन कहते हैं। LL टाइप की रिएक्शन है ये, कीमोथेरेपी शुरू करने के बाद दिखाई देगी। इंटरकरंट इन्फेक्शन में से भी ये जुड़ी हुई है। इसमें जेरिश हेग्जिमर टाइप की रिएक्शन, जिसको अपन आर्थस रिएक्शन कहते हैं, वो दिखाई देती है, क्योंकि बैक्टीरिया किल्ड
होने से जो एंटीजन रिलीज हो रहा है उसमें देखने को मिलेगी। इसमें माइल्ड सीवियर से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक कंडीशन हो सकती है, जिसमें एरिदमा बन जाता है, नॉडिसम लैपरसन बन जाता है, गांठे सी बन जाती है और एरिदमा बन जाएगा स्किन में, लाल लाल से चकते से पड़ जाएंगे। ट्रीटमेंट इसको ठीक करने के अपन क्लोफाजेमाइन दे सकते हैं 200 mg, डेप्सॉन टेम्पररी विड्रॉल के साथ जुड़ी हुई है सीवियर रिएक्शन है, प्रेडनिसोन दे सकते हैं टैपरेड, 2 से 3 मंथ के बाद आप इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। थैलिडोमाइड अल्टरनेटिव है प्रेडनिसोलोन को, ENL में दी जाती है। नेक्स्ट रिवर्सल रिएक्शन भी देखने को मिल रही होती है, जिसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई देने लगती है लैपरी एंटीजन के प्रति, क्यूटेनस में अल्सर बन जाते हैं, मल्टीपल नर्व इसमें इन्वॉल्व रहती है और नर्व टेंडर हो जाती, तनाव आ जाएगा। इसको ठीक करने के क्लोफाजेमाइन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं। अब रिडले जॉपलिंग ने क्लासिफिकेशन दिया था लेप्रोमेटस के लिए LL, बॉर्डर लाइन के लिए BL, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर अगर हो रहा है तो BT और ट्यूबरकुलॉइड है तो TT, ये वर्ड्स अभी अपन ने आए थे अपने, तो उनका ये मतलब है। कन्वेंशनल मोनोथेरेपी के लिए MT डेप्सॉन 100 से 200 एम 7 days वीक में दे सकते हैं। TT जो है ट्यूबरकुलॉइड वो 4 से 5 साल तक, और LT जो है वो आप 8 से 12 साल या लाइफ लॉन्ग आप दे सकते हैं। अब ट्यूबरकुलॉइड और लेप्रोमेटस के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हमारे मेडिसिन से इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। लेप्रेसी का ट्रीटमेंट NLEP क्या है ये, मोनोथेरेपी 1982 में आई थी, एलिमिनेशन अचीव किया गया था इंडिया में 2005 में एलिमिनेट हो गई थी लेप्रेसी की क्लास जो अभी अपन ने पढ़ी थी। ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए पैक्यूबेसिलरी मल्टी बेसिलरी BB टाइप के ड्रग्स इन्फेक्शन के साथ में बताई गई हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी में मल्टी बेसिलरी और पॉसी बेसिलरी अपन देते हैं, मल्टी बेसिलरी रिफैम्पिन डेप्सॉन क्लोफाजेमाइन दे ही जाती है 12 महीनों तक, जबकि पॉसिबिलरी के अंदर रिफैम्पिन डेप्सॉन देते हैं, 6 महीने तक का इसका कोर्स चलता है। यह ऑल्टरनेटिव रेजिम्स दिए हुए हैं, क्या क्या दे सकते हैं, इंटरमिटेंट रोम के साथ में क्लोफाजेमाइन RM, ये आप खुद से चार्ट पढ़ लीजिए, कितने कितने ड्यूरेशन के लिए कौन कौन सी ड्रग देनी है, महीने में कितनी बार देनी है, वो चीज़ बताई गई है। इसके साथ आपका ये एंटी ट्यूबरकुलर नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। रिमेनिंग हम जो ड्रग्स अपने कीमोथेरेपी में बच गई हैं, जैसे सल्फोनामाइड वगैरह मेरे को करवानी है, बाकी तो लगभग ये आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कीमोथेरेपी मैं अपन ने सारे ड्रग्स पढ़ लिए, एंटीवायरल बची, सल्फोनामाइड बची है, तो बस इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।